दोस्तों क्लिप देखे तो पता ही चल गया आपको कि आज हम बना रहे हैं कुरकुरी भिंडी, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाके बहुत खाते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, पर मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें डाली हूँ जिससे इस रेसिपी का फ्लेवर और बढ़ जाता है और ये इतनी ही टेस्टी हो जाती है। इस रेसिपी को आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं और आप इसको मेन मील में भी ले जा सकते हैं। मैं शेफ पलन आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी कुरकुरे भिंडी। होटल स्टाइल कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है, जिसको मैंने वॉश करके क्लीन करके पोंछ के और एक से डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दिया था सूखने के लिए, जिसमें इसमें कोई भी पानी ना रहे। एक कप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। होटलों में भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है भिंडी को कुरकुरा करने के लिए। ये एक कुरकुरा टेक्स्चर देगी भिंडी में। एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच खटाई, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जो कि इसमें कलर प्रोवाइड करेगी, एक से डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार का इस्तेमाल किया है। इसके साथ मैंने एक कप बेसन का भी इस्तेमाल किया है जो कि मेरी भिंडी में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर प्रोवाइड करेगा। अब हम भिंडी को लेते हैं और भिंडी को काट लेते हैं। भिंडी के आगे और पीछे काट लेंगे, थोड़े बहुत काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटना है पीछे से। फिर इसको बीच से फाड़ेंगे। बीच से फाड़ने के बाद उस बीज को भी बीच से फाड़ेंगे, मतलब हम इनको क्वार्टर कट करेंगे और इसके बाद इनको हाफ इंच में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी एकदम फ्रेश है, ताजी है और बहुत छोटी भिंडी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, या तो हाफ इंच से एक इंच के बीच की भिंडी लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जितनी हो सके ये भिंडी फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश भिंडी होगी तो वो उतनी ही अच्छी कलर में होगी और क्रिस्पीनेस उसमें मेंटेन होगी। छोटी भिंडी का सवाल इसलिए किया है क्योंकि उसमें बीज बहुत कम होते हैं और उसमें मीठापन भी अच्छा होता है। ये देखिए मेरी भिंडी सब कट गई है और आप देख सकते हैं सूखने की वजह से इसमें जरा सा भी लिसलिसापन नहीं है। अब हम अपनी भिंडी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारी भिंडी एक साथ बोल में डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। पहले हल्दी, हर मसाले को थोड़ा सा बढ़ा के डालिएगा, जैसे भिंडी के बाद भी उसमें थोड़ा सा बेसन और कॉर्नफ्लोर जाने पे मसाला रहे। एक चम्मच से डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच खटाई, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला और नमक नहीं डालिएगा। मसाले सारे डालने के बाद नमक छोड़ देंगे, नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि नमक डालते ही भिंडी हमारी पानी छोड़ देगी और वो लिसलिसी हो जाएगी। अच्छे से भिंडी को मसाले में कोट कर लेना है, हर भिंडी मसाले में अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। ये देखिए अच्छे से हिला के सारे मसाले में भिंडी को कोट कर लिया मैंने। अब हम इसमें डालेंगे बेसन और कॉर्नफ्लोर, दोनों बराबर क्वांटिटी में डालेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर दोनों का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि बेसन एक बहुत अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करेगा मेरी भिंडी में और कॉर्नफ्लोर उसको क्रिस्पी करेगा। आप चाहें तो सिर्फ होटलों की तरह सिर्फ कॉर्नफ्लोर में भिंडी को कोट करके बना सकते हैं, पर बिलीव मी अगर आप दोनों डाल के बनाएंगे उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सिर्फ कॉर्नफ्लोर के भिंडी से। आप बना के देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ये देखिए भिंडी कॉर्नफ्लोर और बेसन से कोट हो चुकी है। अब हमने इसमें डाला है नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं भिंडी में। नमक और जो हमारा जो मसाला है और बेसन है कॉर्नफ्लोर है वो जो नीचे बैठा हुआ वो भी अच्छे से भिंडी में कोट हो जाए और इसको कोट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद देखिए भिंडी अच्छे से कोट हो चुकी है मेरे सारे मसालों और बेसन और कॉर्नफ्लोर में। अगर आपको लगता है भिंडी ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और बेसन फिर से थोड़ा सा मिला सकते हैं और उसके बाद इसको फ्राई करिए। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल चढ़ा दीजिएगा और उसको अच्छे से गर्म होने दीजिएगा बहुत ज़्यादा। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब बैचेस में अपनी भिंडी को डालिएगा और इसको फ्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो आप भिंडी में मसाला डाल के छोड़ दीजिएगा, नमक और बेसन और कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा। जब आपके गेस्ट आ जाए तो उससे पहले आप इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर डालिएगा और उसको तुरंत ही फ्राई करने लगिएगा। ये देखिए भिंडी एकदम से फ्राई होने लगी है और वो अच्छे से मसाले में कोट है और वो क्रिस्पी होना शुरू हो गई है।
हीट का ध्यान बहुत रखिएगा कि ये हायर साइड पे ही हो, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए भिंडी तैयार हो चुकी है क्रिस्पी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बैचेस में भिंडी को फ्राई कीजिएगा, एक साथ सारी भिंडी मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा आपका जो हीट होगी वो कम हो जाएगी और भिंडी हमारी क्रिस्पी नहीं होगी। ये देखिए मैं बैचेस में फ्राई करती जा रही हूँ भिंडी को और निकालती जा रही हूँ। ये मेरी क्रिस्पी भिंडी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको रोटी और दाल के साथ सर्व करूँगी। देखिए कितनी कुरकुरी भिंडी बनी है ये। तो ध्यान रखिएगा, छोटी भिंडी लीजिएगा, बहुत बड़ी भिंडी मत लीजिएगा। बेसन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा भिंडी बनाते समय, एक तो वो हेल्दी हो जाता है आपका और दूसरा कॉर्नफ्लोर कम होने की वजह से तो आपके घर में किड्स भी खा सकते हैं नाम से इस भिंडी को। और इसको आप चाहे तो स्नैक्स की तरह, चाहे तो मेन मील में ले जा सकते हैं, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए भिंडी में बस नमक मत डालिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। कोई सजेशन देना हो या कुछ पूछना हो तो आप फ्रीली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।